जब बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के जिसका साइज है पचास बाई चालीस ये दोस्तों मैंने जो घर प्लान किया है ये दो भाइयों के लिए किया अगर आपके फैमिली में दो आप लोग हैं और भविष्य में कभी बंटवारा होता ही है आजकल तो उसके लिए मैंने प्लान किया आप बिल्कुल सेम टू सेम पोर्शन डिज़ाइन किए हैं आप कंबाइंड अभी फैमिली है और आने वाले भविष्य में अगर कभी भी आपको बंटवारा होता तो उन चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिल्कुल इक्वल तो दो भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा घर मैंने डिज़ाइन किया है पचास बाई चालीस में तो ये वीडियो पर आपको डिस्कस करूँगा मैं स्टेप बाई स्टेप इसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पूरा आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ और इसकी डिजाइनिंग की बात करें तो आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपने थंबनेल भी हमारा देखा होगा पूरा डिस्कस करने वाले हैं इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट सेकंड तो उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपने अभी तक इस स्माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें बिलकन जरूर दबाएँ यहाँ पर दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और दोस्तों मैं आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें लेकिन केवल वही लोग कॉन्टेक्ट किया करें जिन्हें पेड सर्विस का इस्तेमाल करना हो कोई भी अदर इंक्वायरी के लिए आप हमें बिल्कुल कॉन्टैक्ट ना करें क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं उनको बनवाना भी नहीं होता सिर्फ इंक्वायरी के लिए करते हैं तो आप फालतू अपना भी टाइम और हमारा भी टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें और और मैं बता दूं आपको कि जो हमारे चार्जेज रहते हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा ऑनलाइन जो भी आपका होगा और इसके बाद में 50 परसेंट पेमेंट एडवांस लेता हूँ इसके बाद आपका टू डी और थ्री डी मैप क्रिएट करके देता हूँ तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है फालतू तो लोग बिल्कुल लो कांटेक्ट ना करें इसका आप विशेष ध्यान रखें और 50 परसेंट पेमेंट एडवांस तभी आपको देना है जब आपको हमसे बात हो अन्यथा आपको अन्य किसी व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें इसका भी मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ तो चलो आज का जो मॉडल है उसे डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले तो इसे मैं बता दूं आपको फ्रंट व्यू से डिस्कस करूं ये सामने से दोस्तों रोड है ये आपका स्लोप है जहां से आप चढ़ेंगे ये इसका मेन डोर देख पा रहे होंगे और ये साइड में भी मैंने दो छोटे छोटे डोर दिए हैं मेन डोर इसलिए दिया है कम्बाइंड डोर है आप यहाँ से फोर व्हीलर वगैरह अपनी ले जा सकते हैं और ये आपका बाइक है आप सिंगल वगैरह यहाँ से निकल सकते हैं छोटे से दोनों तरफ कम्बाइंड है क्योंकि ये घर दो भाइयों के लिए सेम पोर्शन में डिजाइन किया है तो जो आप इस तरफ डिजाइन देख रहे होंगे सेम टू सेम वही डिजाइन ये देख रहे होंगे और बीच में आप ये डिजाइन देख रहे होंगे तो अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर चौड़ाई मैंने पहले बता दी पचास फिट है और लंबाई लगभग चालीस फिट है तो ये पूरा डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगा असर अलग ग्राउंड फ्लोर की अगर हम डिस्कस करूं तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है मैं इसे जूम करता हूं आप देखिएगा यहाँ स्लोप है ये आपका मेन डोर ये दो दो पिलर दिए हैं आप जैसे ये साइड में डोर दिए हैं तो दोनों बिल्कुल सेम पोर्सन से आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप सबसे पहले जो आपको स्पेस मिलता है ये देखिए स्पेस है आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं और ये एक बाउंड्री है जो कि आपका प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा गेट है दोनों तरफ सेम ही है आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पर जाते हैं और सबसे पहले आपको मैं एक पोर्शन डिस्कस करता हूँ पच्चीस फिट का तो आप यहाँ आएंगे तो यहाँ अपनी कार पार्किंग अगर आपको रखनी है तो आपको यहाँ पर फिर एक डोर और लगाना पड़ेगा ये आपको क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल बाउंड्री बना दी है तो आप इसलिए मैंने कार पार्किंग की भी व्यवस्था रखी इस स्टेयर्स के नीचे आप यहाँ लगभग अठारह फिट का स्पेस है आप कार पार्किंग कर सकते हैं साइड में आपको एक बेडरूम मिल जाता है और फिर आप जब पीछे जाते हैं पीछे दो बेडरूम आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं ये आपका किचन का पोर्शन है ये लेट एंड बाथ का माइंड है और ये दोनों के लिए अलग अलग डोर है ये लेटरिन के लिए डोर है और ये किचन के लिए उसके लिए विंडो है जिससे वेंटिलेशन होता रहे इस वाले डोर की बात करें यहाँ पर दो विंडो है एक फ्रंट से विंडो दिया है एक साइड से विंडो दिया तो ये पच्चीस फट हो गया पूरा और यही सेम टू सेम पच्चीस फट ये भी डिज़ाइन किया मैंने दो बेडरूम आपका ये लेट एंड बाथ ये किचन ये स्टेयर्स और ये एक बेडरूम अगर आप कार पार्किंग का भविष्य में कभी रखना चाहते हैं तो अपना ये बाउंड्री जो आपको मैंने आगे दिया है इसे तोड़ करके आप एक गेट लगवा सकते हैं बड़ा सा इससे अपने कार पार्किंग आसानी से कर पाए सिमिलर और सारी चीज़ें सिमिलरिटी हैं बिल्कुल फिफ्टी आपका कॉपी आप समझ सकते हैं पच्चीस फीट का इधर है पच्चीस फीट के इधर है तो दो फैमिली आराम से यहाँ रह सकती हैं और ये भविष्य में भी आप कभी भी आप इसे सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके फाइस्ट फ्लोर की तो ये इसका फाइस्ट फ्लोर है पोर्शन की अगर हम बात करें पच्चीस फुट में जो मैंने नीचे डिस्कस किया था सेम टू सेम है वही पीछे दो बेडरूम लेट एंड लेट एंड बात ये है किचन और ये आपका आगे मैंने यहाँ पर आपकी बार जो रूम क्रिएट किया है वो इस साइड किया है पहले आप इस साइड देख रहे होंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट किए हैं दोनों में देखिए दोनों पोर्शन सेम सिमिलर हैं इसलिए दो स्टेयर्स भी मैंने दी हैं देखिए ये दोनों स्टेयर्स दी हैं और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट का एलिवेशन ये आप देखिएगा इस वाले रूम में बड़ा सा विंडो ग्लासेस का दिया है ये आपका देखिए सा आप डिजाइनिंग के सारे पार्ट हैं फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे ये पूरा फर्स्ट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर रेडी होकर आ जाता है पचास बाई चालीस में अब लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर कुछ भी डिजाइन नहीं किया चारो है चारों तरफ बाउंड्री है फ्रंट में एलिवेशन मैंने क्रिएट किया है ये आप देख पा रहे हो राउंड कलर का है जो इस रूम के नीचे है और इस रूम के नीचे राउंड कलर का ये आपका डिजाइनिंग के पार्ट है सारे तो पचास बाई चालीस